सो हाय गाइस, अब देखो आप सब जानते हो कि यार फ्रेंड्स रेफरल एक इतना बढ़िया इवेंट होता है कि यार गेम में आता तो बहुत कम है, लेकिन जब भी आता है साथ में तूफान लाता है, मतलब यार फ्री रिवॉर्ड का। हाँ, इवेंट का सबसे खास बात यह कि भाई देखो ना तो गोल्ड की जरूरत पड़ता है और ना ही डायमंड का, सब कुछ मिल जाता है बिल्कुल फ्री में बस फ्रेंड्स को रेफर करने पर। हाँ, तो जिसके लिए गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट फ्रेंड रेफरल इवेंट के बारे में, कौन सा आएगा, क्या रिवॉर्ड सब सभी को मिलने वाला है और कौन से डेट पर आएगा, सब कुछ बताऊंगा। बजाओ ताली। और साथ ही साथ में बात करने वाले हैं आने वाले गेम के अंदर नेक्स्ट मोकोस्टर इवेंट के बारे में, जो कि आप लोगों को बांग्लादेश एंड इंडिया सर्वर दोनों में ही देखने मिलेंगे। क्या बात कर रहे हैं? एंड गाइस देखो आज आपको मैं 2 नाइट अपडेट देने वाला हूं। आज रात 12 बजे के बाद एक नया फेडेड विल इवेंट भी अपने गेम के अंदर आने वाला है, सो उसका भी रिव्यू दूंगा। एंड हाँ गाइस देखो सबसे खास बात बात करने वाले हैं OB35 अपडेट के बारे में, क्योंकि भाई देखो इस बार आप लोग को एक नया गन और एक नया पेट एंड साथ में भाई एक नया कैरेक्टर अपने गेम के अंदर ऐड होने वाला है फिर से। वाह क्या सीन है। सो आप लोग के मैं आज न्यू पेट, न्यू कैरेक्टर एंड भाई न्यू गन कौन सा है, देखने में कैसा है, सब कुछ दिखाने वाला हूँ आज के इस वीडियो के अंदर। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है आज का वीडियो आप लोग के लिए, सो एंड तक जरूर देख लेना। और हाँ, याद से लाइक और सब्सक्राइब यार दिल से कर देना। ओके okay. हाँ तो फिलहाल गाइस आगे बढ़ते वीडियो में फर्स्ट अपडेट के बारे में। गाइस आज रात 12 बजे के बाद आप लोग को एक नया फेडरल रूल इवेंट अपने गेम के अंदर देखने मिलने वाला है, जिसका डेट आपको मैंने कल सच कन्फर्म कर दिया कि भाई देखो 3 जुलाई के दिन एक नया फेडरल रूल इवेंट आएगा गेम के अंदर। हाँ तो गाइस बात करें रिव्यू के बारे में, भाई देखो यहाँ पर आप लोग को मेनली 2 रिवॉर्ड्स मिलने वाला है, एक तो है अपना मेल बंडल और भाई दूसरे कार के स्किन। वैसे तो इसको बार आपको मैं कल शायद अपडेट दिया था कि भाई ऐसे के फेडरल रूल इवेंट आने वाला है, लेकिन हाँ गाइस देखो आपको बता दूं 1% चांस है कि अगर आप लोग को आज रात 12 बजे के बाद ये देखने में नहीं मिलता है तो भाई आप लोग टेंशन मत करना, आप लोग को कल के दिन मतलब एक दिन का बस अंतर होगा, फिर नेक्स्ट डे गाइस आप लोग को ये वाला फेडरल रूल इवेंट देखने मिल जाएंगे। बाकी यार अगर आप लोग इसके अंदर से बंडल और कार के स्किन अच्छा लगता है कुछ आइटम वगैरह सब लोग स्पिन वगैरह कर सकते हो। तो गाइस देखो फेडरल रूल इवेंट का तो बातचीत हो गया, अब हम बात कर लेते हैं अपने मोकोस्टर इवेंट के बारे में। गाइस यहां पर आपको मैं नेक्स्ट मोकोस्टर इवेंट का रिव्यू वगैरह दे रहा हूं, जिसके अंदर आप लोग को हाइपर कोर ब्लू बंडल देखने मिला है, साथ में सब लोग को एक वेक्टर गन स्किन भी इसके अंदर अवेलेबल कराया गया है। बाकी यार देखो चांसेस तो बहुत ज्यादा है कि भाई यही वाला सेम टू सेम मोकोस्टर इवेंट आप सभी को बहुत जल्दी में ही अपने बांग्लादेश सर्वर एंड अपने इंडिया सर्वर दोनों के अंदर देखने मिल जाएगा। लेकिन यार देखो अभी अपने गेम के अंदर जो मोकोस्टर इवेंट चल रहा है, जो अपना ग्लूवॉल का है भाई, उसको एंड होने के साथ से 1 वीक बाद आप लोग को ये वाला मोकोस्टर इवेंट देखने मिल सकता है। वैसे हाँ गाइस देखो हर बार की तरह आप लोग को रिवॉर्ड के अंदर थोड़ा मोटा चेंजमेंट देखने मिल सकता है, लेकिन अभी तक डेट वगैरह कुछ कंफर्म हुआ नहीं है, अगर आगे कुछ कंफर्मेशन मिलता है तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो पर कवर जरूर कर दूंगा। हाँ तो कैसे फिलहाल हम अपने हाथ को थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं एंड पकड़ते अपने OB35 अपडेट के बारे में। गाइस देखो यहां पर आप लोग को एक नया पेट गन स्किन और साथ में यार गन स्किन तो नहीं वैसे कि न्यू गन कह सकते हो और साथ में कैरेक्टर आने वाला है। तो सबसे पहले गाइस आप लोग इन तीनों आइटम का फर्स्ट लुक देख लो कि भाई देखो देखने में कुछ ऐसा होने वाला है, जिनके पास एडवांस सर्वर गाइस आप लोग को ऑलरेडी से मिल गया एक्टिवेशन कोड, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। और जिनके पास एडवांस सर्वर नहीं है भाई आप लोग को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं बैठा हूं सारे डिटेल आपको मैं दे दूंगा, तो आप लोग कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और वैसे भी गाइस देखो बहुत यार झमेला होता है एडवांस सर्वर के लिए, एक्टिवेशन कोड ढूंढो फिर डाउनलोड करो फिर उसके अंदर जाके देखो यार क्या कुछ आया है, तो इतना कोई जरूरत नहीं आप लोग करने की, जो भी आना होगा नया नया सब कुछ डिटेल आपको मैं दे दूंगा। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर बात कर लेते हैं गन के बारे में। गाइस देखो गन का आपको मैं एक 3D एनिमेशन दे रहा हूँ, बेसिकली एनिमेशन या गन के रिव्यू दे रहा हूँ। तो गाइस देखो गन देखने में कुछ ऐसा होने वाला है बिल्कुल यार कह सकते हो एक दूसरा UMP अपने गेम के अंदर फिर से लॉन्च होने वाला है। आपको बता दूं कि भाई देखो ये UMP की तरह अपना जो SMG एमओ है भाई उसी को सपोर्ट करेगा, और सिंपल भाषा में बोले तो भाई देखो ये भी एक SMG गन है। सो आप लोगों को कैसा लगा है गन का रिव्यू वगैरह देखकर आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। तो गाइस इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अपने न्यू पेट के बारे में। गाइस देखो अपने गेम के अंदर यार बहुत सारे पेट तो आ गया है, मतलब यार किसी को घर वालों ने छोड़ा नहीं है। खैर अब सबसे हटकर आने वाला है उल्लू, और हाँ मैं उसी उल्लू की बात कर रहा हूँ जो रात में दिख पाता है लेकिन यार दिन में नहीं। खैर देखो इसका एबिलिटी कुछ भी हो, गरना कुछ भी डिजाइन करे, लेकिन आपको मैं अपने से बता रहा हूँ इसका एबिलिटी कैसा होना चाहिए। लेकिन हाँ गाइस अगर आप लोग मेरी बोली हुई ओपिनियन या फिर एबिलिटी से आप लोग भी खुश हो कि भाई नहीं ऐसे ही आना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में #ES जरूर लिख देना। हाँ, तो गाइस देखो एबिलिटी कुछ ऐसा होना चाहिए, मान लो कोई ऐसा एनिमी है जो कि बहुत कवर में आपको दिख नहीं रहा है और बहुत दूर पे खड़ा है, तो भाई देखो उस टाइम पे आपका उल्लू का काम आएगा। तब गाइस आप अपने पेट को बोलोगे कि जा उड़ के जा और देख क्या कि एनिमी कहां पर खड़ा है, और उसका जो स्पॉट है उसका जो लोकेशन है वो मुझे शेयर करना, मुझे दिखा कि एनिमी यहां पर छुपा हुआ और है। आप लोग गाइस बड़े आसानी से जाके एनिमी को पेल सकते हो। बाकी यार देखो मेरे ओपिनियन से तो भाई ऐसे कुछ होना चाहिए, अगर सहमत हो तो कमेंट सेक्शन में #ES जरूर लिख देना। बाकी यार देखो ये एडवांस सर्वर का पेट है, सो जब तक भाई एडवांस सर्वर आएगा नहीं तब तक इसका एबिलिटी बताना थोड़ा सा मुश्किल है, सो कुछ टाइम वेट करो, फिर उसके बाद 7 तारीख को एडवांस सर्वर ओपन हो जाएगा डाउनलोड करने के लिए। तो उसके बाद आपको मैं पेट का एबिलिटी तो बताऊंगा ही, और भाई सबसे खास बात यहां पर आप लोग जो कैरेक्टर देख पा रहे हो भाई इसका भी अभी तक फेस वगैरह जो है लुक वगैरह अभी तक रिवील नहीं हुआ है। वैसे हां इसके बारे में डिटेल में कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता होता है कि भाई देखो जब तक एडवांस सर्वर नहीं है तब तक यार
यार अपना जो न्यू कैरेक्टर उसका लुक पता नहीं चलता है। हाँ, तो जिसके लिए गाइस देखो अभी आपके पास एक ही काम है कि भाई देखो आप लोगों को लगभग यार 1 वीक वेट करना है एंड गाइस देखो उसके बाद ही आप सबके पूरा डिटेल दे दूंगा अपने पेट के ऊपर। एंड हाँ गाइस देखो साथ में जो न्यू कैरेक्टर आने वाला है उसका भी पूरा आप लोगों को डिटेल्स वगैरह दे दूंगा। वैसे हाँ गाइस देखो यार न्यू कैरेक्टर के वजह से याद आया भाई अपना जो अनीता कैरेक्टर अपने गेम के अंदर आने वाला था भाई इसके बारे में मुझे यार एक बहुत ही खतरनाक अपडेट पता चला है। गाइस देखो आज तक फ्री फायर में जितने भी कैरेक्टर आया है भाई उनके अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी दिया गया है, चाहे वो खराब हो लेकिन यार अच्छा हो कुछ ना कुछ एबिलिटी तो आप लोगों को मिलता है। लेकिन गाइस सबसे खास बात यह कि भाई देखो अनीता कैरेक्टर के अंदर आप लोगों को कुछ भी एबिलिटी देखने में नहीं मिलेंगे। मतलब यार ये बात थोड़ा सा अजीब है लेकिन आपको बता दूं कि भाई देखो इसके अंदर कुछ भी एबिलिटी आप लोगों को देखने में नहीं मिलेंगे। इसके अंदर आप लोगों को जो कैरेक्टर को अच्छा लगता है उसी का एबिलिटी इसके अंदर फिक्स कर सकते हो गाइस, जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हो। बाकी यार देखो ये कोई ना तो एक्टिव स्किल होने वाला है ना ही पैसिव भाई, और जहां तक मुझे लगता है कि भाई देखो इन सब चीज को देखकर तो मुझे यही लगता है गाइस ये सिर्फ और सिर्फ अपने ब्राजील सर्वर के लिए आने वाला है, दूसरे के सर्वर के अंदर आप लोगों को अनीता का इवेंट ऐसे देखने में नहीं मिलेंगे। क्योंकि गाइस देखो इसका लीक यार बहुत पहले आ गया था कि यार अनीता नाम का कैरेक्टर अपने गेम के अंदर आने वाला है, लेकिन यार देखो अभी तक अपने गेम के अंदर इसका कुछ भी अपडेट वगैरह आया नहीं है। एंड हां गाइस देखो एक इंपॉर्टेंट बात, अगर भाई अनीता कैरेक्टर का इवेंट अपने गेम के अंदर आना होता तो कम से कम यार दूसरे सर्वर के अंदर आता, लेकिन आपको बता दूं कि भाई देखो ये सिर्फ और सिर्फ अभी तक अपने ब्राजील सर्वर के अंदर ही आया है। लेकिन हां भाई देखो अगर अनीता कैरेक्टर आ गया और इसके अंदर अगर कुछ भी एबिलिटी ना रहा ना तो भाई मैं कसम से बता रहा हूं 100 डेवन टॉप के अंदर आएगा तो भाई लगभग 95% प्लेयर तो टॉप करेंगे नहीं। क्योंकि गाइस देखो जिसके अंदर कुछ एबिलिटी नहीं है तो भाई उसको हम टॉप करके काहे ले। बाकी यार देखो ऐसे तो बहुत से कैरेक्टर है जो कि हम लोग को बिल्कुल फ्री में मिला था, कम से कम उसके अंदर एबिलिटी तो मिलेगा ना। और बाकी तो गाइस आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन भाई देखो अगर कुछ डेट वगैरह मुझे पता चलता है अपना अनीता कैरेक्टर इवेंट का तो आपको मैं नेक्स्ट किसी वीडियो पर जरूर कवर कर दूंगा। हाँ, तो फिलहाल गाइस हम लोग बात कर लेते हैं अपने फ्रेंड्स रेफरल इवेंट के बारे में। गाइस देखो ये एक इतना बढ़िया इवेंट होता है कि भाई इसके अंदर आप लोग को फ्री में तो काफी सारे रिवॉर्ड्स मिलता है। लेकिन हाँ गाइस देखो कहते तो भाई जितना मेरे पास लिख है भाई काफी जल्दी मैं आप लोग को और एक नया फ्रेंड्स रेफरल इवेंट अपने गेम के अंदर देखने मिलने वाला है। हाँ, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिवॉर्ड्स के बारे में। गाइस देखो इसके अंदर आप लोग को मेन जो अपना व्हाइट टी-शर्ट है भाई जिसका लिख यार बहुत पहले आ गया था भाई, देखो यहाँ पर आप लोग को व्हाइट टी-शर्ट यार देखने मिल सकता है अपने फ्रेंड्स रेफरल इवेंट के अंदर। और बाकी तो गाइस अगर हम बात करें डेट के बारे में तो भाई देखो यहाँ पर फ्री फायर गेम के अंदर जो आप लोग को नेक्स्ट में 5th एनिवर्सरी इवेंट देखने मिलेंगे भाई उसी टाइम पे आप लोग को एनिवर्सरी स्पेशल अपना फ्रेंड्स रेफरल इवेंट देखने मिलने वाला है। चांसेस तो ये कि भाई एनिवर्सरी स्पेशल आ जाए, लेकिन अगर घरना वाले कुछ ज्यादा ही मेहरबान होता है तो उसके कुछ दिन पहले भी आप लोगों को देखने में मिल सकता है। वैसे हाँ गाइस देखो अगर मेरे हाथ में कुछ और अपडेट लगता है अपने फ्रेंड्स रेफरल इवेंट को लेकर तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता दूंगा। खैर बढ़ते वीडियो में आगे कुछ कमेंट्स के रिप्लाई के बारे में। सो फर्स्ट कमेंट है कि सनी भाई कौन सा इवो गन रिटर्न आने वाला है। भाई देखो दो इवो गन है जो कि रिटर्न आएगा, पहला तो है इवो ईएमपी और भाई दूसरा होने वाला है अपना कोबरा MP40। दोनों में यार कुछ भी आप लोगों को पहले देखने में मिल सकता है। खैर बढ़ते वीडियो में आगे नेक्स्ट कमेंट के बारे में, सनी भाई ट्रॉपिकल पैरेट कब आने वाला है। गाइस आपको बता दूं कि भाई देखो ट्रॉपिकल पैरेट का डेट कंफर्म हो गया है, 9 जुलाई के दिन अपने बांग्लादेश सर्वर के अंदर आप लोग को ट्रॉपिकल पैरेट साथ में यार हैंड ऑफ होप, गोल्डन ग्लेयर और अपना रैपर अंडरवर्ल्ड, ये चारों गन स्किन मिलेंगे देखने में एक साथ में 9 जुलाई के दिन। लेकिन हां गाइस मेन बात यह है कि भाई देखो अपना जो इंडिया सर्वर भाई इसके लिए थोड़ा सा इसका डिफरेंट होने वाला है। बाकी यार देखो इसके लिए क्या डिफरेंट होगा इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बड़ा अपडेट है जिसके लिए आप लोग को मैं कल या फिर परसों अपडेट दे ही दूंगा। तो इसके साथ में गाइस बात कर लेते हैं नेक्स्ट कमेंट के बारे में, सनी भाई नेक्स्ट मोको स्टोर कब आएगा। आपको मैंने पहले वीडियो के अंदर इसका रिव्यू भी दिखा चुका हूं, डेट वगैरह आपको सब कुछ बता चुका हूं वीडियो के अंदर, सबको पता चल गया होगा। फिलहाल बढ़ते वीडियो में गाइस अपना नेक्स्ट कमेंट के बारे में, सनी भाई इवो MP5 का कंफर्म डेट बताओ। भाई देखो फिलहाल तो यार डेट वगैरह कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन हां गाइस देखो अपना इवो MP5 का जो टोकन है भाई उस वाले टोकन को ऑलरेडी अपने इलेट पास के अंदर जो क्रेडिट मिलता है गन स्किन का भाई उसके अंदर ऐड कर दिया गया है। और जहां तक मुझे लगता है कि भाई देखो काफी जल्दी में ही अपने गेम के अंदर आप लोगों को इवो MP5 देखने में मिल जाएंगे, लगभग यार 15 फिर 20 दिन तो लगेंगे इसको आने में, इसके बाद आप लोगों को देखने में मिल जाएंगे। हाँ, तो इसके बाद कमेंट था कि सनी भाई रैम्पेज पास इवेंट कब आने वाला है, रैम्पेज इवेंट आके एंड भी हो जाएगा। बाकी यार देखो देखकर तो यही लगता है कि भाई इस बार आप लोगों को शायद रैम्पेज पास इवेंट देखने में नहीं मिलेंगे, और लगता तो यह है कि भाई देखो गरना वालों ने शायद इस बार अपने रैम्पेज पास इवेंट को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया है। लेकिन हाँ गाइस देखो अगर आगे कुछ लीक वगैरह मिलेगा अपने रैम्पेज पास का तो आप सभी को मैं नेक्स्ट वीडियो पर बता दूंगा। सो गाइस मेरा वीडियो आज कहीं तक था, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी ऑल ऑप्शन पे सेट कर देना, क्योंकि इस तरीके का कंटेंट आप लोगों को हर दिन मेरे चैनल पर देखने मिलता रहेगा। तो गाइस सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पे सेट जरूर कर देना।